आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की। जी हां, आज उत्तर प्रदेश में दो सीटों में उपचुनाव है। छानबे सीट पर उपचुनाव है और साथ ही साथ इसके अलावा रामपुर की स्वार सीट पर भी उपचुनाव है। सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है और ऐसे में आज जो तमाम दिग्गज हैं उनकी जो किस्मत है वो मतदाताओं के हाथ में है। देखिए, सुबह से ही वोटिंग का लगातार जो सिलसिला है वो चल रहा है। रामपुर की स्वार सीट पर कौन इस वक्त भारी पड़ रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, कौन इस वक्त अपनी पूरी फौज वहां पर उतार चुका है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और अगर छानबे सीट की बात करें तो कितना मजबूत वहां पर अपना दल है, इसके अलावा और दूसरे राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है उन पर भी हम बातचीत करेंगे। ये उपचुनाव दो ध्रुवीय है या त्रिकोणीय है, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी आज। अगर बता दें, उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में स्वार विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए एक तरफ मतदान हो रहा है, वहीं सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पिछले साल यहां से जीत हासिल की थी। स्वार उपचुनाव में सपा की तरफ से अनुराधा चौहान के सामने अपना दल की शफीक अहमद अंसारी मैदान में है और आज 10 मई को वोटिंग के बाद 13 मई को नतीजे आने हैं। प्रशासन ने इस वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच में है। राज्य के सहयोगी अपना दल के विधायक रहे राहुल प्रकाश कौल की पत्नी रिंकी कौल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के अजय कुमार भी मजबूती से टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने इस बार अपना कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। इन तमाम बातों की तरह अगर मुद्दों की बात की जाए तो जनता ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। तस्वीरें आपको सुबह से दिखा रहे हैं भारत समाचार पर और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाताओं का अपना अलग रुख है। लेकिन सवाल यह है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। और देखिए, बड़ा सवाल यह भी है कि 2024 के पहले ये इशारा इसलिए भी कर देगा, जो संकेत होंगे वो 2024 के लिए पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। मुद्दे होंगे सड़क कस्बे से हटकर, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर इस बार प्रत्याशियों को लेकर जो राजनीतिक दल थे उन्होंने प्रचार किया। अखिलेश यादव एक तरफ मेट्रो की सवारी करते दिखे, तो वहीं अगर उपचुनावों के अलावा हम लोग बात करें निकाय चुनावों की, तो कल दूसरे चरण का मतदान निकाय चुनाव को लेकर है। एक तरफ प्रशासन की तमाम तैयारियां, दूसरी तरफ उपचुनाव, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस वक्त इस चर्चा में। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद तकी जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है। रजा रिजवी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चर्चा में, बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर लिया है। अब से कुछ ही देर बाद और मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ते हैं और बीजेपी के भी हमारे साथ अशोक पांडे जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अशोक पांडे जी आपका भी इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, शुरुआत रजा रिजवी जी आपके कमेंट के साथ। देखिए, एक तरफ निकाय चुनाव का शोर प्रचार सारी चीजें और दूसरे चरण का कल चुनाव भी होना है, दूसरी तरफ अगर आज के चुनाव की बात करें तो आज दो सीटों पर महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एक कमेंट जानेंगे, आप कैसे इसको देख रहे हैं, किस तरह से इसका आंकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए, दो जो सीटें हैं रामपुर की स्वार और मिर्जापुर में 96 सीट, ये सीट ऐसी सीट है कि भाई जो समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम की सजा होने के बाद वो सीट खाली हुई है। 15 साल मुकदमा चला, 13 फरवरी को इसका जजमेंट हुआ, तो उसके बाद क्योंकि अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से थे और सोनेलाल पटेल से जो है दूसरे प्रत्याशी थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। और ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, दोनों जगह से जो है अपना दल सोनेलाल लड़ रही है। 96 से क्योंकि वो रिंकी पटेल लड़ रही हैं, उनके हस्बैंड जो है बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, वो बेचारे बीमारी से जो है उनकी मृत्यु हो गई, और यहाँ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है कोर्ट के आर्डर के तहत हो रहा है। यहाँ जो स्वार सीट है रामपुर की, यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक अलग चाल चली है, क्योंकि वहाँ जो है जाहिर सी बात है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अच्छी संख्या मुसलमानों की, 50% 52% 54% उस विधानसभा में मुसलमान रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहाँ जो है वो अनुराधा चौहान को उतारा है।
मतलब हिंदू प्रत्याशी उतारा है, मुसलमान नहीं उतारा है। और इसमें इस चुनाव में बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का कुछ जानने वाला नहीं, चाहे जीते और चाहे हारे, खाली यही एक जाएगा कि साहब वो सहयोगी दल हैं और उनके सहयोगी दल जो है वो अपना दल सोनियाल पटेल, उनके प्रत्याशी नहीं जीत पाए, ये एक मैसेज जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि वहां का वोटर जो है वो शफीक अंसारी को वोट देता है, जो अनुप्रिया पटेल जी ने खड़ा किया है, कि वहां जो सपा का है, क्योंकि टक्कर वहां सपा और अनुप्रिया पटेल के प्रत्याशी से ही है, शफीक अंसारी से। और शफीक अंसारी वहां के बहुत ही लोकप्रिय लीडर हैं, क्योंकि वहां स्थानीय निकाय में उनका दबदबा है, उनकी वाइफ का टिकट भी पता नहीं पक्का हुआ है तो मैं नहीं जानता हूँ, मैंने इस पर स्टडी नहीं किया, लेकिन वो वहाँ नगर पालिका के बहुत ही प्रतिष्ठित थे और ये आजम खान के साथ ही रहते थे, आजम खान ने ही इनको किया था। तो अब ये देखना है कि मुसलमान वहाँ का वोट जो है वो सोनियाल पटेल को देता है, जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है, कि वहाँ जो है समाजवादी पार्टी को मुसलमान दे करके एक जो है अनुराधा जो है चौहान को जिताता, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और समाजवादी पार्टी ने बड़ी समझदारी से चाल चली है और साथ ही साथ, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि आजम खान, जैसा कि उनका 45 सालों से दबदबा है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे अपने थे जो एन मौके पर आजम का खान का साथ छोड़कर चले गए, बिल्कुल इतनी मजबूती से हो पाएगा, क्योंकि 21 साल जैसा लंबा वक्त, उसके बाद कोई गैर मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लिए उतारना प्रयोग है या फिर इसमें कुछ सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश, सियासी संदेश भी कह सकते हैं और प्रयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शफीक अंसारी को वहां से उतार दिया गया था जी, और इसलिए जब जो दो मुसलमान वहां से लड़ते तो जाहिर सी बात है कोई मुसलमान जीत नहीं सकता था। लेकिन अब ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक चाल चली है कि वहां जो हिंदू वोट है वो किधर जाता है, अब ये तय भी हो जाएगा कि हिंदू वोटर अगर समाजवादी पार्टी को वहां दे रहा है तो इसके मतलब उसने भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट को नहीं दिया। लेकिन अगर सीट जीत जाती है मान लीजिए सुनील पटेल को, तो ये भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी साहब हमारे समर्थित हैं और हमारे जो है सहयोगी दल है, ये जीत गए सीट। अगर हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला, कोई वो नहीं कि साहब ठीक है हमारे सहयोगी हैं, वो हार लड़े थे नहीं जीत पाए, तो ये उसमें ये नहीं रहेगा साहब हिंदू इधर चला गया मुसलमान उधर चला गया। बिल्कुल, आपके पास मैं आऊंगी। अशोक पांडे जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या माहौल इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि 2024 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा गूंजे? देखिए, आपको बता दें कि पहले तो आपके माध्यम से मैं जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कल जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि इसके प्रथम चरण में जो चुनाव हुए थे नगर निकाय के, उसमें वोटिंग का परसेंटेज कम था, ये दुर्भाग्यजनक है। दूसरी बात रही अभी विधानसभा का जो चुनाव है, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीती और रामपुर में भी हमने पसमांदा मुसलमानों का एक सम्मेलन किया जिसमें विजय पाठक जी डिप्टी सीएम गए थे, लाखों लाख मुसलमान थे, हमने मुसलमान भाइयों को समझाने का प्रयास किया, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो और पार्टियां सिर्फ जालीदार टोपी लगा के आपका वोट तो लेती है, लेकिन अब जो गरीब तबका है मुस्लिम बंधुओं का, उनका कोई भला करने वाला नहीं है। भला अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी जो भी योजनाएं आई, चाहे जनधन योजना, हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, आयुष्मान योजना आई हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उज्ज्वला योजना आई हिंदू मुसलमान नहीं देखा, शौचालय योजना आई हिंदू मुसलमान नहीं देखा, प्रधानमंत्री आवास योजना आई हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हिंदू भाई अब समझ गया है, मुसलमान भाई भी समझ गया है, ये एम वाई एक्स वाई करने वाले लोगों से दूर उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो एक टिकट हमारा है, हमें जान से प्यारा है का नारा, हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हमने अपने सरकार की नीतियों को रीतियों को अंतिम आदमी तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, इसलिए दूसरी बार हमें उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने को जनता ने मौका दिया। निश्चित तौर पे इस दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है वही विजयी होगा। अशोक जी, सवाल ये भी तो है ना कि MY वो लोग करते हैं, लेकिन आप क्या बीजेपी भी तो अब MY पर काम करने लगी है, लगातार हम लोग देख रहे हैं पसमांदा सम्मेलन हो रहा है, सूफी समाज के लोगों को जोड़ा जा रहा है, कौन सा दल इसमें पीछे है, जरा ये बताइए।
देखिए हम यह मोबाइल नहीं कर रहे हैं, अपने मुस्लिम भाइयों को, गरीब जो तबका है किसी भी बिरादरी का, किसी भी संप्रदाय का, जो अंतिम आदमी है, उसके विकास की हमारी योजनाएं बनी। योजनाओं में हमने कभी नहीं देखा, अगर आप पिछड़ा हिंदू मुसलमान जनता समझ रही है, मुसलमान भाइयों आज जो पिछड़े हैं, जिनको हम चाहते हैं कि उनका सामाजिक स्तर सुधरे, आर्थिक स्तर सुधरे, उनके बच्चे पढ़े लिखे, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम भाई भी समझ रहा है। हमारे यहाँ भी हमने 5-6 एमएलसी बनाया, एक मुसलमान बंधु को हमने बनाया, हमने मंत्री बनाया, मुस्लिम बंधु मंत्री है। इस बार पहली बार आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव में जो मुस्लिम बाहुल सीटें थी, वहाँ भी हमारे सैकड़ों उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे मुस्लिम भाई। ये हम एक कामयाबी हमने हासिल किया कि तुलसी भी हमारे साथ है, कबीर भी हमारे साथ है। ठीक है, बिल्कुल। चंचल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं हमें, लेकिन उससे पहले मोहम्मद तकी जी, मैं आपके पास आऊंगी। तकी जी, आप इन चुनावों को देख रहे हैं, और देखिए सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ निकल रही है आगे। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ा रही है। हम जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने नालियों की बात की, हमने डेंगू की बात की, मलेरिया की बात की, चिकनगुनिया की बात की, कूड़े की बात की, गंदगी की बात की, और हमने देखा नगर निकाय के चुनाव में जब हम प्रत्याशियों के साथ गलियों में टहले, देखा गलियों के अंदर इतना कूड़ा जमा है कि जनता परेशान है। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर, जहां पिछले 28 साल से लगातार मेयर भाजपा का है, जहां 65% सभासद भाजपा के हैं, जहां के 7 MLA भाजपा के हैं 9 में से, जहां लगातार भाजपा की सरकार रही, केंद्र में सरकार भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, लेकिन वहां भाजपा जो अपने आप को सबसे मजबूत सरकार कहती है, वो सबसे मजबूत सरकार दिखी, और वो गंदगी से, कूड़े से, डेंगू से, मलेरिया से, टाइफाइड से हारती हुई दिखी है। कितने जनता के ऊपर बोझ पड़ता है बीमारियों का, उससे बिल्कुल ये कुछ सीखा नहीं, कोरोना से कुछ नहीं सीखा है, और बीजेपी जीतने से भी, अगर बीजेपी जीत भी रही है, तब पर भी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा होगा बीजेपी को, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन ये पार्टी जो अपने आप को सबसे मजबूत बता रही है, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सबसे मजबूर पार्टी दिखती है, और कुछ नहीं बोल पा रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं कि वो वहाँ महिलाएं खिलाड़ी जो हमारे देश की वहाँ बैठी हुई हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिला है, जिन्होंने, जिनके वजह से पताका, हमारे ध्वज पताका ऊपर जाता है, भारत जिंदा फहराया जाता है, उसके बारे में सबसे मजबूर हमें सरकार की बीजेपी कुछ बोल नहीं पा रही है, और सही एक्शन नहीं ले पा रही है। और विपक्ष में भी, समाजवादी पार्टी भी उस मुद्दे के ऊपर हमें बहुत गंभीरता पूर्वक या बहुत ही तेजी से बोलती हुई दिखाई, वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे के ऊपर शांत दिखी। तो जो देश, जो जहाँ पे महिलाएं 50% है, वहां महिलाओं की बात नहीं हो रही है। केरल में महिलाओं की बात की जा रही है, कहा जा रहा है वहां केरल पिक्चर आ रही है, 36,000 महिलाओं का धर्म, हिंदू महिलाओं इसका का धर्म। चुनाव से क्या मतलब है? मतलब भाई लोग देखिए, जनता जो है सब सारी खबरें देखते रहती है और सारी खबरें सुनती रहती है, उसके बाद वो अपना लगता है इन सब चीजों का कोई असर उपचुनाव में पड़ेगा। आज की डेट में हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन से अपडेट होता रहता है, न्यूज पढ़ता रहता है, वो उसको फैसले देखता रहता है, तो ऐसे में जनता पर प्रभाव पड़ता है। और बीजेपी की सीतारमन जी कहती है विपक्ष जो है वो महंगाई पे बोलने का अधिकार खो चुकी है, विपक्ष महंगाई पे ना बोले, चुप रहे। अरे विपक्ष नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? लगातार महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की बात करनी चाहिए एक फाइनेंस मिनिस्टर को, विपक्ष को महंगाई पे नहीं बोलना चाहिए। क्यों महंगाई पे ना बोले भाई? आप लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, अब मैं बच्चों की दवाओं के रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दूध के रेट बढ़ा रहे हैं। सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। अगर आपके अनुमत हो, जी जी, तकी साहब जो कह रहे हैं ब्रजभूषण का मामला, भाई ब्रजभूषण का मामला धरना दिया लोगों ने, धरना देने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना जो है वो कहा, FIR दर्ज कर दिया, FIR दर्ज हो गई, उसके जो है गुरुदोष के आधार पे एविडेंस होगा, एविडेंस के पे अगर आएंगे तो अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे सभी, तो हो ही रहा है, तो उसमें और क्या चाहिए भाई? अब्दुल्ला आजम खान के केस पे आमिर रस्ते उनसे फौरन इस्तीफा ले लिया। अरे तो भाई क्या बात है भाई, FIR हुई है, जेपी में जान महिलाएं खुद बयान लिया जा रहा है, बयान लेने के बाद सुधा मिश्रा के पास पहले मैं आऊंगी। ठीक है सर, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए ना, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए ना। सुधा मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जी नमस्कार, अभी भाजपा के प्रवक्ता भाई जो अभी बहुत भारी भरकम शब्दों के द्वारा जो बातें बता रहे थे, बात आपने क्या उपचुनाव की,
और उन्होंने अपने चुनावी वादों के जो मंचों पे बोलते हैं उन्हें बोल दिया। मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, चूंकि आपने उपचुनावों की बात की और निकाय चुनावों की बात की और प्रश्न उससे संबंधित था, लेकिन उनकी बातों में इन्होंने हिंदू मुसलमान करते हुए और बता रहे हैं कि हमने देश की हर सुविधाओं का दोनों वर्गों के लिए लिखा प्रयोजन दोनों के लिए रहा। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी इस सरकार के पहले जितनी सरकारें आई क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया था क्या? जितनी योजनाएं परियोजनाएं जी बिल्कुल मैं बोल लूं, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, फिर आप बोलिएगा। इस तरह से देश के लोगों को बरगलाने का जो आप प्रयास करते हैं, आप लोगों को राजनीति करना अच्छा लग करिए, लेकिन कम से कम जो सरकार की नीतियां होती हैं, जो सरकार की चीजें हो जो जनता के लिए होती हैं, उनके बीच में तटस्थ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप लोगों का जो एक बन गया है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी बातें करनी है, लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन देनी है। आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई वो योजनाएं हैं जो इस देश के हर एक व्यक्ति का जिन पे अधिकार है। आप जो ये बात बार बार बताते हैं, आप लोग बैठ के मंचों पे डिबेट में और नारे कहां कहां से कि आपने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, आप होते हैं कौन करने वाले? भारत सरकार के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जो नीतियों का निर्धारण करते हैं वो इस देश की जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होते हैं। और आप लोग जो ये बातें करते हैं कि आपको लगता नहीं आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, आखिर इन बातों के कहने का औचित्य क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं आप लोग कि इसके पहले जितनी सरकारें थी उनके जितने वादे थे, जो काम थे, जो इस देश के हित के लिए थे, इस समाज के हित के लिए थे, क्या सरकारें चलती ऐसे थी? और उस प्रश्न के घेरे में आप अपनी भी सरकारों की बात कर रहे हैं। तो कम से कम अशोक पांडे जी, आपसे मेरा अनुरोध है और खास करके भाजपा के लोगों से अनुरोध है कि कम से कम संवैधानिक चीजों से चलने वाले नीति निर्धारण तत्वों के बारे में ऐसे अनर्थक प्रलाप न किया करें जो जनता को। ठीक है, आप चलिए अशोक जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद चंचल जी आपके पास में। जी जी ठीक है ठीक है, पहले एक मिनट उनको पहले जी बताइए सर, 15 सेकंड जी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस मुल्क में सारे संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, ये क्या हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे? सच्चर कमेटी से सेना में भी गिनती कराने का काम कर रहे थे। अभी अभी बोल रहे थे आप पार्टी के पूछे पूछिए पांच चीज के, तीन तीन मिनिस्टर जेल में हो, शराब के घोटाले में हो, जो 5 करोड़ में 5 पर्दा लगाता हो, देखिए आज उपचुनाव है और कल भी वोटिंग होनी है, कम से कम चुनाव पर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुद्दों पर बात कीजिए, कौन कौन से मुद्दे ऐसे प्रदेश में हैं जिन पर लोगों को वोट करना चाहिए, और वाकई में उत्तर प्रदेश की सूरत तस्वीर कितनी बदलनी चाहिए, इस पर क्यों कोई दल बात नहीं करता? चंचल जी आप बताइए। ठीक है अभी आ रही हूँ आपके पास, पहले एक चंचल जी की भी एक प्रतिक्रिया मैं ले लूँ। सुधा जी जी चंचल जी, सबसे बड़ी बात है मुझे तो, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ, वादों की बात सुन रहा था, हिंदू मुसलमान की बात सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। इनके लोगों को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे झूठ बोलना है, एक बार बोलो, दो बार बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो, इनको झूठ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, समझते हैं अशोक पांडे जी? ये बोल रहे थे उज्ज्वला योजना के बारे में, आप मुझे बताओ पांडे जी, जब उज्ज्वला योजना जब आई थी उस समय गैस सिलेंडर के दाम कितने थे पता है आपको? आप जानते हैं? और जो प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा सारे पेट्रोल पंप पे हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के सारे पेट्रोल पंपों पे लगा था, आपको पता है कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा? हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे, मेरा ख्याल सारे पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख पेट्रोल पंप हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कितना पैसा पानी की तरह बहा दिया गया केवल नूरानी चेहरा दिखाने के लिए। दूसरी बात आता हूं आपको, आज जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पाया था ना, गांव में लोग भूसा भर भूसे वाले घर में रखे हुए हैं, आपको जानकारी हो? चलिए गांव में देखिए, आज आपने देश और प्रदेश को किस दिशा में लाके खड़ा कर दिया है, महंगाई के जो है आज महंगाई इतनी चरम पर है कि जो 400 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है। आप उज्ज्वला योजना के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। दूसरी बात आपको बताता हूँ, शौचालय की बात आप कर रहे हो, इन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इलेक्शन मुद्दों पे जी, इन्हीं मुद्दों पर है भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। हाँ। आपने देखा होगा, मैं देश की बात कर रहा हूँ अभी, देखिए और प्रदेश के अंदर आप देखें, इतने बस से बदतर हालात है, पहले भी इनके विधायक सरेआम देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बड़ी माफी के साथ, इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी ने अभी जब इससे पहले जब चुनाव हुआ था बाय इलेक्शन का, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई थी। आजम खान ने जमकर प्रचार किया लेकिन अपना गढ़ हार गए।
और इस बार भी लगातार मशक्कत कर रहे हैं, कोई भी बड़ा नेता उतारा नहीं गया आपकी तरफ से। सर ये सवाल है, मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपने शायद देखा नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव हमारे नेता हैं जो जी जो है बड़े बड़े नेता सारे के सारे जगहों पे, सारे के सारे जिलों में बेहतरीन तरीके से जो हमारा कैडर है हर जगह हम लोग पहुंचने की कोशिश किए। और माफी के साथ चंचल जी मुझे रोकना।